हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। बिफोर स्टार्टिंग लेट अस लुक एट व्हाट विल बी द सिलेबस और द टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स। वील हैव अ इंट्रोडक्शन व्हाट एग्जैक्टली द कॉम्बिनेशनल सर्किट इज। Then we will look at the functional completeness. What do we mean by functional completeness? Then we will look at how can you implement the digital circuits using a NAND gate and a NOR gate. And then code converters, adders, subtractors. We have parallel adders, we have parallel subtractors, we have BCD adders, BCD subtractors, look ahead carry adders. Then we have comparators, multiplexers, demultiplexers, and encoders, decoders, priority encoders, hazards, and these are the things that we will be discussing in our session. In sabhi ke bare mein hum apne session mein discuss karne wale hain. So this combination circuit is very important because your entire digital logic subject is divided into 5 major sections. The first section is Boolean algebra. The second section is combination circuit. Third is your sequential circuit. Fourth is your number system, and the fifth is your finite state machines, or you can say FSM. Now this fifth topic, which is your finite state machine, it is not such a big topic. It is not very very big topic, and it is not very important for GATE examination. But again, I believe that if we understand a little bit or few concepts of finite state machines, it makes very easy for us to solve some previous year questions regarding counters. बिकॉज फाइनाइट स्टेट मशीन्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, इफ़ यू नो द प्रॉपर द कम्प्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन्स, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर्स। बट दिस फाइनाइट स्टेट मशीन्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिले मशीन एंड द मूरे मशीन। सो दिस फाइनाइट स्टेट मशीन यू कैन अंडरस्टैंड इट वंस यू कवर द थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन सब्जेक्ट, बिकॉज इन TOC वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटास, एंड फ्रॉम दैट फाइनाइट ऑटोमेटास वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट FSM or finite state machines. Even though this topic is not very important, this is not very, this is something, this is a kind of a topic that we can skip from our course. But again, if I get time in the end, maybe I will cover that finite state machines also. वो सिर्फ तभी के लिए है जब हम एंड में सभी टॉपिक्स फिनिश कर लेंगे, और अगर हमारे पास कुछ टाइम बचेगा, then only we will be covering that particular topic. Okay? तो we can start with combinational circuit. तो हम लोग combinational circuit से हम लोग start करते हैं. So, first of all, what do you mean by combinational circuit? See, most of the circuits, there are two kinds of circuit here. One is your sequential circuit, and second one is your combinational circuit. For example, if you are going to do addition of 2-bit numbers, so if you have one number or second number, I mean 1-bit or 2-bit, if you are going to perform addition,
that is a combination circuit. To do that addition, we need a combination circuit. Now, what is a sequential circuit? Sequential circuit means you have to remember some bits, and on the basis of the previous data that we have already evaluated, your next data will be dependent on that. Okay. Okay. Let me do one thing. Once I take a few examples, जैसे मैं कुछ examples लूँगा. Once I cover the adders, half adder, full adder, and your ripple carry adder, then I'll explain you what is the difference between a sequential circuit and what is the difference between a combination circuit. Then you will understand it clearly. तो अभी step by step चलते हैं. Let us go step by step. Here we are starting with functional completeness. Functional completeness का मतलब क्या है? देखो, what do you really mean by functional completeness? Functional completeness का मतलब ये है कि जब आप कुछ सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ डिजिटल सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे कि यू कैन इम्प्लीमेंट एनी डिजिटल सर्किट और एनी बुलियन डिजिटल सर्किट जस्ट बाई यूजिंग थ्री गेट्स. वन इज़ योर एंड गेट, योर और गेट एंड योर नॉट गेट. सिर्फ इन तीन चीज़ों से आप जितने भी डिजिटल लॉजिक के सर्किट्स हैं, जितने भी डिजिटल लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यू कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन एक्सप्रेशन जस्ट बाई यूजिंग एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट. अब ये जो तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कम्प्लीट कॉम्बिनेशन तीनों चीज़ों का, दिस कॉम्बिनेशन इज अ फंक्शनली कम्प्लीट कॉम्बिनेशन. ये पूरा फंक्शनली कम्प्लीट कॉम्बिनेशन है. वाई? बिकॉज यू कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन अलजेब्रा, एनी बुलियन लॉजिक यूजिंग दीज थ्री गेट्स. But what I'm trying to say here is there any subset of AND gate and OR gate and NOT gate? क्या इन तीनों का कोई ऐसा subset है जो कि हर एक circuit को implement कर सकता है? The answer is yes. अगर हम सिर्फ AND gate और OR gate ले तो हम सभी circuits को implement नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर हम AND gate और NOT gate को ले, यानी कि AND और complementation, तो हम जितने भी concept है, जितने भी logic है, even if it is OR gate, तो हम इन दोनों की help से OR gate को भी implement कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक और गेट और नॉट गेट हो, यानी कि नॉट गेट और OR गेट, से इन दो गेट्स की हेल्प से हम सभी बुलियन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इवन आपका जो एंड गेट है, एंड गेट को भी हम OR गेट से बना सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस टू. तो हम ये जो सेट है, ये जो स्मॉलर सेट है, हम इस सेट को बोलेंगे कि ये सेट एक फंक्शनली कम्प्लीट सेट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट अ थ्योरी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. तो यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, अ सेट ऑफ ऑपरेशंस इज सेट टू बी फंक्शनली कम्प्लीट or universal if and only if every switching function can be expressed by the means of operations in it. Jitne bhi aapke switching functions hai, switching function means your boolean functions, correct, boolean expressions. To jitne bhi aapke switching functions hai, hum un sabhi switching functions ko implement kar sakte hain kisi functionally complete set ke sath. Ab yahan par kya likha hua hai, a set of boolean functions is functionally complete if all the functions can be constructed from this set and a set of input variables are provided. जैसे हमारे पास AND gate, OR and complement, AND, OR and complement, just by using these three things, you can implement any possible boolean circuit, any possible switching function. आप उनको सिर्फ इन तीन चीज़ों के combination से भी implement कर सकते हैं. But is there any subset to this? You will say, sir, yes, there is a subset. जैसे अगर हमारे पास सिर्फ OR gate और complementation हो, तब सिर्फ OR गेट और कॉम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से हम हर एक बुलियन सर्किट को या स्विचिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इवन अगर मैं OR गेट एंड कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करूँगा, तो इनकी हेल्प से मैं एक AND गेट को भी बना सकता हूँ. आई कैन मेक एन AND गेट जस्ट बाई यूजिंग OR गेट एंड अ कॉम्प्लीमेंटेशन. तो उसको कैसे करेंगे, आई विल शो यू. वी कैन अप्लाई डू दैट बाई यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. एंड देन इफ यू हैव AND गेट एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, अगर आपके पास एंड गेट और कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ अगर ये दो चीज़ है, तब भी आप किसी भी बुलियन फंक्शन को इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो इसी वजह से ये जो सेट है हमारे पास, इन सभी सेट को हम फंक्शनली कम्प्लीट बोलते हैं. वी कॉल ऑल ऑफ दीज सेट्स आर फंक्शनली कम्प्लीट बिकॉज यू कैन इम्प्लीमेंट एनी सर्किट यूजिंग दीज सेट. ओके, नाउ सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड हियर इज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू find out here, if there is some combination of circuit is already given, अगर हमें कुछ एक circuit given है या कुछ combination हमें given है, क्या हम इस combination से हर एक circuit को implement कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जैसे let me try to explain you with this example. So here we have this combination which is f of a comma b comma c is equal to a complement plus b c complement. Okay, if you implement this,
with the help of a diagram. How can I represent this with the help of a diagram? This is the input A, this is the input B, and this is the input C. I can perform a NOT gate on A, I can perform a NOT gate on C, and between B and C, I can perform an AND gate, and then I can perform an OR gate here. So, yahan se iske baad main ek OR gate ko perform kar sakta hun. So, after this, the output will be A complement plus B C complement. Ye aapka output hoga. Output kya hoga aapke paas? A complement plus B C complement. Ab isme ek cheez notice karne ki hai. When I'm saying that I want to implement any boolean function with this, I meant to say कि मेरे पास ये एक ऐसा बॉक्स मिला हुआ है. वी हैव अ बॉक्स लाइक दिस और कैसे वी हैव अ डिवाइस लाइक दिस हुज आउटपुट इज दिस मच, जिसका आउटपुट कुछ ऐसा है. एंड जस्ट बाय यूजिंग दिस बॉक्स और जस्ट बाय यूजिंग दिस एंटायर यूनिट आई वांट टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन. मैं किसी भी बुलियन फंक्शन को बस इस यूनिट से इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन जस्ट बाई यूजिंग दिस यूनिट. ओके, और इसको कुछ ऐसे भी देख सकते हैं. बट हाउ कैन यू व्यू इट? How can you view this expression? You can view that this kind of logic is given. This kind of logic is given. We do not know how it is implemented internally. All I know is this logic takes input A, it takes input B, it takes input C, and as an output, it gives A complement plus B C complement. That's it. So this kind of a new kind of gate, or you can say new kind of logic, or I should call it as a gate, is given. Whose input, which takes three inputs and it produces this kind of output. Now my aim is, I want to know, can any boolean function be implemented using this? Kya isse koi bhi boolean function ko implement kiya ja sakta hai? Ab isko main kaise prove karunga? How can I prove it? To prove it, I have to prove two things. Mujhe kya kya prove karna hai? First of all, I have to prove that you can implement a AND gate with this, or you can implement a NOT complement gate. या तो आप इसे एक AND गेट और कॉम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे OR गेट और कॉम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसे हर एक बुलियन सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू कैन इम्प्लीमेंट AND गेट यूजिंग इट एंड कॉम्प्लीमेंट, या तो आप इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, या फिर आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, राइट? सो इफ यू कैन डू इट, देन यू कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन using this circuit. आप किसी भी बुलियन फंक्शन को इस सर्किट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, सो हाउ कैन आई डू इट? हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? जस्ट लुक एट दिस फंक्शन, जस्ट लुक एट दिस फंक्शन. सो व्हाट डज दिस फंक्शन से? दिस फंक्शन से इट टेक्स ए बी एंड सी एज इनपुट. सो इक्वेशन इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज, व्हाट आई कैन डू इफ आई वॉन्ट टू जनरेट अ कॉम्प्लीमेंटेशन, इफ आई वॉन्ट टू जनरेट अ कॉम्प्लीमेंटेशन हियर इन दिस सी, इफ आई पास अ बी, अगर मैं सी के अंदर बी को पास करता हूँ, देन द फंक्शन विल बी एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा बी, इट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. एंड वी ऑलरेडी नो वट इज बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, हमें बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है. वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, देयर फॉर दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो. ये जो वैल्यू है ये कुछ जीरो के इक्वल होगी. So if this value is 0, so that means this function is now implementing a complementation. ये जो function है ये a complement को implement कर रहा है. I mean to say this is your box, or you can say this is your gate, right? This gate takes three inputs. We have input A, we have a input B, and we have a input C. Now in these two inputs, in दोनों input के अंदर B और C के अंदर, in these two inputs, if you give just one variable. अगर इसमें कोई भी एक वेरिएबल आप देते हैं, इवन इफ यू आर गिविंग अ वेरिएबल एज बी, देन द आउटपुट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पर अगर वेरिएबल बी देंगे तो आउटपुट आपका क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट. और इंस्टेड ऑफ गिविंग अ वेरिएबल बी, इफ आई कैन जस्ट डू दिस, आई कैन जस्ट पास दिस ए हियर. अगर मैं तीनों इनपुट्स के अंदर ए पास करूंगा, इवन इफ आई पास ए इन ऑल ऑफ दिस थ्री, तो उससे क्या होगा? वट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? देन द फंक्शन विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा ए कॉमा ए, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंटेशन, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ओनली. सो दैट मीन्स यूजिंग दिस फंक्शन आई कैन अप्लाई कॉम्प्लीमेंटेशन फंक्शन. मैं यहाँ से कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई कर सकता हूँ. सो ऑब्वियसली आई फाउंड कॉम्प्लीमेंटेशन. नाउ व्हाट इज माई सेकेंड थिंग दैट आई हैव टू डू? सेकेंड थिंग इज आइदर आई वॉन्ट टू फाइंड अ और फंक्शन, और आई वॉन्ट टू फाइंड अ
एंड फंक्शन, या तो मुझे और गेट को इंप्लीमेंट करना है इस सर्किट से, या फिर मुझे एक एंड गेट को इंप्लीमेंट करना है। अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, जस्ट डू सम कैलकुलेशन, थिंक अबाउट इट, हम यहाँ से और गेट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो देयर आर मल्टीपल वेज, काफ़ी तरीके से हम इसके अंदर और गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ कैन आई डू इट, इफ इन दिस ए, इफ आई पास ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए की जगह पर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को पास आउट करूंगा, देन दिस विल बिकम ए, करेक्ट। एंड हियर इन दिस प्लेस ऑफ सी, इफ आई पास बी कॉम्प्लीमेंट, देन दिस विल बिकम योर बी ओनली, करेक्ट। सो देन वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट अ और गेट। कैसे करेंगे, लेट मी शो यू अगेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, लेट मी शो यू अगेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो जस्ट नोट इट डाउन, इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, एंड यू कैन सी दैट वी कैन इम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंटेशन फंक्शन। लेट मी एक्सप्लेन यू द सेकेंड वन। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ फंक्शन हियर, इन दिस फंक्शन एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, आई वॉन्ट टू पास ए कॉम्प्लीमेंट, सो दैट मीन्स आई वॉन्ट टू पास एफ ऑफ ए कॉमा ए comma a, that means I will pass a complement comma b comma, in place of this c, I want to pass a b complement, so I'm going to pass f of b comma b comma b, correct. Now you can see this is kind of a recursive function, so here this function is calling itself, yahan par bhi jo function hai ye apne aap ko call kar raha hai. So what is this value, ye value kya, what is this value, this value is equivalent to a complement and this value is equivalent to b complementation, right? Then what will be the value of this function? तो इस function की value क्या हो जाएगी यहाँ पर? The value of this function will be a complement complement plus b dot b complement complement, which is equal to a plus b only, जो कि a plus b के equal है, and this is representing an OR gate. तो ये एक OR gate को represent कर रहा है. और what I want to say is, इसका diagrammatically कैसे represent कर सकता हूँ? How can I represent diagrammatically? I'm taking this circuit, so I'm taking this circuit. Here I'm passing in all the three inputs, I'm passing A. यहाँ पर हम तीनों inputs के अंदर A pass कर रहे हैं, correct? And then I have the same circuit here, and here in all the three inputs I'm passing the B, correct? And the same B is given here, right? So the same circuit is present, the same gate. So the same gate is present here, the same gate is present here. As well as the same gate is present here. Gate तीनों जगह पर same है. So the output will be a plus b. यानी कि हमने variables a और b का यहाँ पर OR कर दिया. So I've done OR of variable a and b. So this is so interesting, right? कितना interesting है, right? So just by using this new specific kind of a gate. ऐसा गेट जो ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है, जिस पर यूजिंग दिस काइंड ऑफ गेट आई कैन परफॉर्म एन एंड ऑपरेशन, आई कैन परफॉर्म एन और ऑपरेशन, आई कैन परफॉर्म एन नॉट ऑपरेशन, जस्ट लाइक आई हैव प्रूव्ड दैट आई कैन परफॉर्म अ कॉम्प्लीमेंटेशन एंड अ और, इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो प्रूव दैट आई कैन इम्प्लीमेंट अ कॉम्प्लीमेंटेशन एंड ए एंड. हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंटेशन और एंड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, आपको ये समझ में आया होगा. You must have enjoyed this, but let me take more examples because I believe only one example is not enough. काफ़ी जगह पर examples हमें इतने cover करने हैं तो होते हैं कि आपको doubt कभी ना आए. So I don't want to cover less examples because अगर examples ज़्यादा होंगे तो आपको doubts नहीं आएंगे. This is what we do. ठीक है, so let us take one more example here. So this is the same kind of implementation. Here you can see this is the same logic that we have done. So ye humne same usi logic ko implement kiya hai, and I have proved that this function is a functionally complete because I can perform OR operation and I can perform a complementation operation. Okay, now look at the next example here. So in this next example we have a function which is f of a comma b is equal to a complement plus b. This is your function. Now I want to know can I implement a OR gate एंड कैन आई इम्प्लीमेंट अ नॉट गेट. क्या हम यहाँ से और गेट और नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओके, नाउ इन दिस केस अगेन यू कैन सी दैट वी हैव डन एक वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी. आपके पास क्या सर्किट है यहाँ पर? वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी. थिंक अबाउट इट, वट कैन बी द इनपुट. हम यहाँ पर ऐसा क्या इनपुट पास करें दैट वी अप्लाई
कॉम्प्लीमेंट और नॉट. लेट अस डू सम ट्रायल एंड एरर. तो हम लोग कुछ ट्रायल एंड एरर करते हैं. सो दिस इज योर फंक्शन. इन दिस फंक्शन इन प्लेस ऑफ बी इफ आई गिव अ ए, अगर मैं बी की जगह पर ए दूंगा देन आई विल गेट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए. सो विच इज इक्वल टू जीरो. सो विच इज इक्वल टू वन, नॉट जीरो. दिस इज इक्वल टू वन, करेक्ट. ये किससे इक्वल है आपके पास? वन के इक्वल. सो इफ इट इज इक्वल टू वन, इफ इट इज इक्वल टू वन, नाउ इफ आई पास समथिंग लाइक दिस, इफ आई पास इन दिस फंक्शन एफ ऑफ एफ, इफ आई पास एफ ऑफ ए कॉमा ए प्लस बी, और कैसे ए कॉमा ए कॉमा बी. सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू वन प्लस बी, दैट इज इक्वल टू बी ओनली, जो कि सिर्फ बी के इक्वल है, जो कि सिर्फ बी के इक्वल है, करेक्ट. नाउ कैन आई गेट और गेट? क्या यहां से मुझे कुछ और गेट मिलेगा? राइट. सो बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग अ बी, आई एम नॉट गेटिंग अ कॉम्प्लीमेंटेशन. डू यू थिंक इज देयर एनी मेथड कि जिससे हम इसके अंदर कॉम्प्लीमेंटेशन निकाल सकते हैं? कैन देयर बी एनी मेथड कि हम यहां से somehow magically if I can find complementation, then you will find, no, we will not be able to find any complementation here. क्योंकि आप कुछ भी values को यहाँ पर pass करो, whatever values you will pass, you will never get a complement. Correct? So to get a complement, I need the help of the constant values. That means I need the help of a value 0 and I need the value of help of value 1. ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है? What do I mean to say by this? So in this function, in this function, if I pass f of a comma 0, then it will be equal to a complement plus 0, which is equal to a complement only. यानी कि मुझे a complement को लेने के लिए यहाँ पर b की जगह पर 0 को पास करना पड़ा. Okay? So if I again with this help, I can also find OR gate. I can just pass f of a comma 0 comma b, then it will be equal to a complement plus b, which is equal to a plus b, jo ki sirf a plus b ke equal hai. So that means I can perform an OR operation, I can perform an complementation operation, but something special happened here. Kuch alag hua yahan par. Kya alag hua? That special is that I have to pass a 0. Mujhe yahan par 0 ko pass karna pada. So because I have to pass a 0, right? So that means this function is not fully functionally complete. ये जो function है ये fully functionally complete नहीं है. So let me explain the terminology. We have three terminologies. One is fully functionally complete. Second is partially functionally complete. And third one is not functionally complete. ठीक है, अब देखो fully functionally complete का मतलब क्या है? The first example that we have taken is fully functionally complete. Now in this example, to find a complementation operation, we have to pass a zero. हमें complementation operation को find out करने के लिए zero को pass करना पड़ेगा, right? So because I have to take a help of a 0 or a 1, यानी कि हमें कुछ constant value, 0 या 1 की constant value को हमें use करना पड़ेगा, so then only I will be able to find this complementation, or then only I will be able to find this OR operation. That is why it is not fully functionally complete, it is partially functionally complete. ये partially functionally complete है. Why it is partially functionally complete? Because I had to use the help of zeros and ones. Okay? So you can also see it here. तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं the same definition here. This is the definition of partially functionally complete. Okay? So that means I had to use the help of this zero. हमें यहाँ से zero की help को use करना पड़ेगा because I had to use the help of a constant number or can say constants here. That is why it is not fully functionally complete. Okay? So let us look at this example again. So in this example, we have the following function. The function is a complement b. We want to know whether this function is functionally complete or not. Just look at this one and think about it. What should I pass so that I can get a complementation? What should I pass so that I can get an OR operation or an AND operation? Is there anything that I can pass?
let us do some experiments. We will do hit and trial method here. So there is no fixed algorithm for this. Dekho, I cannot give a fixed algorithm because no algorithm exists for this. You can just take a few examples. You can do some hit and trial, then only you can identify. ठीक है, what I can do here is, जैसे ये function आपके पास a comma b, so instead of b, I can just pass a comma a. So if I am passing a comma a, then I will get a complement dot a, which is equal to 0. So that means I'm getting a 0, correct? अगर मेरे पास 0 आ रहा है, so is there any chance that I can find a complementation? क्या कोई chance है complementation find out करने का? What if I pass 0 in place of this a, अगर इस a की जगह पर 0 pass करेंगे, how can I do it? I can say f of a, comma b, then it will be equal to 0 complement dot b, or you can say single b. So I got a 0, I got a b, but still I haven't got a complementation or I haven't got a or operation. अब तक मेरे पास सिर्फ a और b आया है, मुझे अब तक complementation यहाँ पर नहीं मिला है. So again, is there anything, if this function is not functionally complete, is this function partially functionally complete? क्या ये function partially functionally complete है? So let us try some hidden trial. So in this function, if I pass a comma 1, अगर मैं यहाँ पर a comma 1 को pass करूँगा, then this will be equal to a complement dot 1, which is equal to a complementation only. यानि कि मैंने 1 की help से, if I took a constant 1, then I can find complementation. Can I find AND operation or an OR operation? क्या हम यहाँ से AND या फिर OR operation को find out कर सकते हैं? Let us think about it. So here, if I got a complementation, so if I just pass f of a comma 1 comma b, and if I take f here, so this will be equal to a complement plus b, which is equal to a plus b. So that means I can find the OR gate with the help of a 1. So it means this function is not fully functionally complete. This is a partially functionally complete. ये जो function है, ये partially functionally complete है. So you can see the entire definition here. पूरी जो process है derivation की, इस पूरी process को आप यहाँ पर देख सकते हैं. How can I say that this is a partially functionally complete? So it is written if the function becomes functionally complete by substituting 1 or 0, then it is known as partially functionally complete. अगर आप 1 या 0 को substitute करके उसे functionally complete बना सकते हैं, then we can say the function is partially functionally complete. Okay? Again, so this is again a very interesting example because this is an XOR gate. So the function is f of a comma b is equal to a complement b plus a b complement. And we already know this function. We popularly know this function as XOR function. This is a XOR b. ये जो function है, वो a XOR b को represent कर रहा है. Fine. Very interesting function. Correct. काफी interesting function है यहाँ पर. Now in this function, think about it. What are the values that I can pass to make it fully functioning complete? What if I pass f of a comma a? अगर मैं a comma a को pass करूँगा, then I will get a complement dot a plus a dot a complement, which is equal to 0 plus 0, which is equal to 1, जो कि 1 के equal नहीं है. This is equal to 0. Huh. Sorry, I make silly mistakes lot of times. So this is equal to 0 only. ठीक है, उसी तरीके से if I pass any value whatsoever, right, I cannot prove that this function is fully functionally complete. But if this function is partially functionally complete, but if I pass f of a comma 1, then you will be able to find it is a complement dot 1 plus a dot 1 complement, then it is equal to a complement, and this will be equal to a dot 0, which is equal to a complement only, जो कि a complement के equal है. So basically I found a complementation function. मुझे यहाँ पर complementation मिल गया. I found a complementation. Now if I found a complementation, can I find AND gate या फिर OR gate? क्या यहाँ से मैं AND gate या फिर OR gate को find out कर सकता हूँ? I can take one example here. I can take one hidden trial. What if pass f of a comma 1 comma b, then this will be equal to a complement b plus a complement, which is equal to a b plus a complement. And if you look at it clearly, this is equal to a xnor b. ये जो है,
ये XNOR गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ यू ट्राई टू डू एनी नंबर ऑफ हिडन ट्रायल्स यू विल ऑलवेज आइडेंटिफाई दैट दिस फंक्शन इज नॉट फुल्ली फंक्शनली कंप्लीट एंड दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट पार्शली फंक्शनली कंप्लीट. ये जो फंक्शन है ना तो ये फुल्ली फंक्शनली कंप्लीट है और ना ही ये पार्शली फंक्शनली कंप्लीट है. सो दैट इज वाई आई कैन से दिस फंक्शन दैट वी हैव दिस फंक्शन इज नॉट फंक्शनली कंप्लीट. ये फंक्शनली कंप्लीट है ही नहीं, ना तो ये फुल्ली फंक्शनली कंप्लीट है और ना ही ये पार्शली फंक्शनली कंप्लीट है. ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो सी द एंटायर एक्सप्लेनेशन हियर. आप इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर भी देख सकते हैं. यू कैन पास एनी वैल्यू, यू कैन ट्राई टू पास एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, देन यू विल आइडेंटिफाई दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट दीज ऑपरेटर्स. सो बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू गेट दीज ऑपरेटर्स दैट इज वाई दिस फंक्शन इज नॉट फंक्शनली कम्प्लीट. ये जो फंक्शन है ये फंक्शनली कम्प्लीट नहीं है. लेट मी टेक टू मोर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स. मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लूंगा, यू लिटरली लाइक दोज एग्जाम्पल्स. सो वी हैव टू फेमस गेट्स, राइट. मैंने आपको जो हमारे पास गेट्स थे, हम काफी गेट्स थे हमारे पास. कौन कौन से गेट है हमारे पास? वी हैव एंड गेट, वी हैव और गेट. लेट मी राइट इट दिस वे. वी हैव एन एंड गेट, वी हैव और गेट, वी हैव नॉट गेट. सो दीज आर योर बेसिक गेट्स. ये सभी बेसिक गेट्स हैं. अपार्ट ऑफ दिस we have a NAND gate, we have a NOR gate, we have XOR gate and we have XNOR gate. ठीक है, and you can prove that these XOR gate as well as XNOR gate they are not functionally complete. ये जो दोनों gate है ये functionally complete नहीं है. These are not functionally complete. But this NAND gate as well as these NOR gates, they are functionally complete. ये जो गेट है ये functionally complete है. ये जो गेट है ये functionally complete है. Even if I just take a single AND gate, it is not functionally complete. Even if I take single OR gate, it is also not functionally complete. If I take just NOT gate, it is also not functionally complete. So जितने भी gates हमारे पास है उसमें से सिर्फ NAND गेट और NOR गेट ही फंक्शनली कंप्लीट है. देखो व्हाई आई एम सेइंग कि ये तीनों फंक्शनली कंप्लीट नहीं है. अगर मैं आपको सिर्फ एक AND गेट दे दूं, आई जस्ट गिव अ AND गेट, अगर मैं आपको सिर्फ ये गेट दे दूं, क्या आप सिर्फ इस गेट से NOT गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यू विल आइडेंटिफाई नो, आप नहीं कर सकते. क्या आप सिर्फ इस एक गेट से OR गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यू विल से नो, हम ऐसा नहीं कर सकते. क्या आप सिर्फ इस एक गेट से नॉट गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यू विल से नो, हम ऐसा नहीं कर सकते. यानी कि ये जो तीनों गेट है एंड और नॉट, ये तीनों इंडिविजुअली फंक्शनली कंप्लीट नहीं है. बट इफ यू कंबाइन देम, इफ यू कंबाइंड एंड गेट विद नॉट गेट या फिर और गेट विद नॉट गेट, देन दिस कॉम्बिनेशन बिकम्स फंक्शनली कंप्लीट. तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो फंक्शनली कंप्लीट बन जाता है. इन द सेम वे दिस XOR एंड XOR गेट दे आर नॉट फंक्शनली कंप्लीट, बट दिस NAND गेट एंड द NOR गेट दे बोथ आर फंक्शनली कंप्लीट. ये दोनों फंक्शनली कंप्लीट है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन लॉजिक, कोई भी बुलियन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए डू नॉट नीड एनी गेट. सिर्फ आपको एक गेट चाहिए, दैट इज योर NAND गेट. इफ यू हैव NAND गेट्स, आप सिर्फ NAND गेट्स हैं आपके पास, तो NAND गेट की हेल्प से आप सभी बुलियन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेट मी शो यू हियर. मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, So, I can do it this way. This is your function f of a comma b. It is equal to a dot b whole complementation. तो ये कौन सा गेट बना आपके पास? This is your NAND gate. And this is your function f of a comma b. It is equal to a plus b whole complementation. And this is your NOR gate. तो ये आपके पास NAND gate है और वो आपके पास NOR gate है. Okay. Now here, in this function, if I pass f of a comma a, then it will become a dot a whole complementation, which is equal to a complement only. यानी कि अगर आपके पास एक NAND gate है, इस NAND gate पे जो दोनों input है, दोनों input पे if you just pass a, then this NAND gate will give us a complementation. ये जो NAND gate है, ये आपको a complementation देगा. In the same way, if I do something like this, f of a comma a comma f of b comma b and again this is a function f. If I do something like this, and this is equal to a complement dot b complement whole complement, and if you apply De Morgan's law, then this will be equal to
A complement complement plus B complement complement which is equal to A plus B. यानी कि ये एक OR गेट की तरह बिहेव कर रहा है. आई मीन टू से दिस इज योर NAND गेट हियर, दिस इज योर NAND गेट हियर, दिस इज योर NAND गेट हियर एंड हियर आई एम पासिंग द इनपुट A, हियर आई एम पासिंग द इनपुट B, देन द आउटपुट विल बी A प्लस B. तो जो आपका आउटपुट होगा वो A प्लस B के इक्वल होगा. इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो परफॉर्म सम मॉडिफिकेशंस हियर सो दैट आई कैन फाइंड अ एंड गेट. हम यहाँ से एंड गेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फाइंडिंग एंड गेट इज वेरी इजी. हाउ कैन आई डू इट, कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी. हाउ कैन आई डू इट? इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, इफ आई पास हियर, इफ आई पास इन दिस केस आई वॉन्ट टू हैव a dot b whole complementation, right? So I mean to say I have, if I pass something like this, f of a comma b comma f of a comma b, then this is equal to a dot b complement dot a dot b complement whole complement, which is equal to a dot b complement complement, or you can say a b. yani ki hum ek NAND gate se AND gate ko bhi implement kar sakte hain. We can implement OR gate, we can implement AND gate, and we can implement OR NOT gate, right? NOT gate, AND gate, or OR gate. तीनों हम यहाँ से implement कर सकते हैं. That is why I can say that this NAND gate is fully functionally complete. In the same way, I can take a NOR gate. मैं NOR gate को ले सकता हूँ. And in this NOR gate, what I can do here is, if I pass f of a comma a, then this is equal to a plus a whole complement, which is equal to a complement only. यानी कि अगर मैं एक NOR gate लेता हूँ, in this NOR gate, if both the inputs are a, then the output will be a complement. अगर दोनों input a हैं, तो जो आपका output है, वो a complement के equal होगा. In the same way, if I can do something like this, f of a, comma f of b, then it is equal to a complement plus b complement whole complement. If you apply De Morgan's law, then this is equal to a complement complement dot b complement complement, which is equal to a b only, jo ki a b ke equal hai. Correct? So if I show you with the help of a diagram, so this is your NOR gate. Again, this is another NOR gate, right? And this is another NOR gate. Here, if I'm giving input as a, here if I'm giving input as b, then the output will be a dot b. तो जो आपका output है वो a dot b के equal होगा. In the same way, I can also find a OR gate. मैं इसी तरीके से यहाँ से OR gate को भी identify कर सकता हूँ. Finding OR gate is very easy, just like this. जिस तरीके से आपने इसको किया, same thing you can also do over there. You can do f of a comma b comma f of a comma b. It will be equal to a plus b complement dot a plus b complement whole complement, which is equal to a plus b complement complement, that is equal to a plus b only, jo ki sirf a plus b ke equal hai. In the same way, you can see that we can find a NOT gate, we can find a AND gate, as well as we can also find a OR gate. That is why both of your NAND gate and NOR gate, they are fully functionally complete. And because they are fully functionally complete, अगर आपके पास सिर्फ NAND gate है या फिर आपके पास सिर्फ NOR gate है, तो उससे आप सभी functions को implement कर सकते हैं. That is why both NAND gate and NOR gate are also called as universal gate. इसी वजह से हम इन दोनों gates को universal gates भी बोलते हैं. Both NAND gate and NOR gate are also called as universal gate because they are fully functionally complete. ये जो दोनों gate है, ये fully functionally complete है, इसलिए हम इसको universal gates भी बोलते हैं. And this is the implementations of the logic. आप किस तरीके से NOT gate को बना सकते हैं NAND gate से? How can you make a NOT gate using a NAND gate? In the same way, how can you make a AND gate using a NAND gate? आप AND gate को NAND gate से कैसे बना सकते हैं? I think we have already done it. हम इसको already कर चुके हैं. So it is very easy कि इसको कैसे perform करना है. As well as how can you perform OR gate using a NAND gate? आप OR gate को NAND gate से कैसे कर सकते हैं? We have already done it, right? हम इसको already कर चुके हैं. So this is the entire example. This is a table and you can note down this entire table in your notebook. आप अपनी notebook में इसको note down कर सकते हैं. In this table you can clearly see that if you have a NAND gate, तो NAND gate से हम NOT gate को कैसे बनाएंगे, how to implement a NOT gate using a NAND gate, how to implement a AND gate using a NAND gate, how to implement a OR gate, how to implement a NOR gate. In the same way,
how to implement an exclusive OR, how to implement an exclusive NOR, as well as how to implement a buffer. So just by using an AND gate, we can implement every possible gate. In the same way, just by using a NOR gate, agar aapke paas sirf NOR gate hai, to aap NOR gate se har ek function ko implement kar sakte hain. You can implement any function, any given function using a NOR gate. Okay, so this is presenting a NOR gate, this is presenting a OR gate, this is AND gate, this is NAND gate, this is NOT gate, buffer, exclusive OR, as well as exclusive NOR. तो इस तरीके से आप सभी गेट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, फाइन. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी गिव यू अ स्मॉल ट्रिक, लेट मी गिव यू अ स्मॉल ट्रिक इन सम वे, बिकॉज ये जो ट्रिक है ये आपके एग्जाम में काफी काम आने वाली है. दिस ट्रिक इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन. सो व्हाट डज दिस ट्रिक सेज, दिस ट्रिक इज मोर अबाउट इफ यू हैव एनी बुलियन एक्सप्रेशन, अगर आपके पास कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है, तो उस बुलियन एक्सप्रेशन को सिर्फ NAND लॉजिक से कैसे इंप्लीमेंट करना है या फिर सिर्फ NOR लॉजिक से कैसे इंप्लीमेंट करना है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. देखो, इफ यू हैव एन एक्सप्रेशन, दिस इज द फंक्शन f ऑफ a कॉमा b कॉमा c, द फंक्शन इज ab प्लस bc प्लस ac, दिस इज योर फंक्शन. ओके, सो इफ आई वांट टू इंप्लीमेंट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमाइज्ड और नॉट, क्या ये एक्सप्रेशन मिनिमाइज्ड है या फिर नहीं है. राइट नाउ आई थिंक दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमाइज्ड, सो बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमाइज्ड, नाउ आई कैन इंप्लीमेंट इट यूजिंग एंड और लॉजिक. ठीक है, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हाउ कैन वी इंप्लीमेंट इट. सो आई एम गोइंग टू यूज एंड गेट हियर. इन दिस एंड गेट आई विल गिव अ इनपुट एज ए, हियर आई विल गिव अ इनपुट एज बी, करेक्ट. देन वी हैव अनदर एंड गेट हियर, सो दिस इनपुट बी इज गिवन हियर and I will give an input as C, this is the output. Okay, and then I have another AND gate here. In this AND gate I am passing the input as A, to ye jo A hai input humne yahan par A ko pass kiya, as well as I am passing this input as C, to humne yahan par C ko pass kiya, correct. After this I can use a three input OR gate, ya fir main kuch aisa bhi kar sakta hu, I can also do something like this, that I can pass a, you know, OR gate here, and again I can pass one more OR gate. But again for simplicity purpose, थोड़ा simplicity purpose के लिए let me pass a three input OR gate. मैं यहाँ से three input OR gate को pass करता हूँ. So this is a three input OR gate. ठीक है? Clear? Now this is how I can implement this given function. Now using this kind of implementation, you see कि हमने यहाँ पर AND gate का और OR gate का use किया है. We have used a AND gate as well as we have also used a OR gate. लेकिन यहाँ पर एक चीज और आप कर सकते हो. हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग अ NAND गेट, व्हाट यू कैन डू हियर इज जस्ट पुट अ नॉट हियर एज वेल एज पुट अ नॉट हियर. सो अगेन दिस नॉट बैलेंसेस दिस नॉट, जस्ट पुट अ नॉट हियर एज वेल एज पुट अ नॉट हियर. सो दिस नॉट एंड दिस नॉट, दे बोथ बैलेंसेस ईच अदर. इफ यू पुट अ नॉट हियर एंड इफ यू पुट अ नॉट हियर, अगेन दिस नॉट एंड दिस नॉट, दे बोथ बैलेंसेस ईच अदर, राइट. And if you look at it here, तो ये जो सर्किट है यहाँ पर, दिस सर्किट, सो दिस दिस इज ऑल NAND गेट, ये सभी NAND गेट है. एंड इफ यू लुक एट दिस सर्किट, वट डज दिस सर्किट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है. इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, इफ आई हैव अ गेट लाइक दिस, वेयर आई एम पासिंग ए कॉम्प्लीमेंट हियर, हियर आई एम पासिंग बी कॉम्प्लीमेंट, हियर आई एम पासिंग सी कॉम्प्लीमेंट, द आउटपुट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. एंड इफ यू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ, then this is equal to a dot b dot c whole complementation, right. So basically this circuit is actually equivalent to saying a b and c, and I can just apply it not in the AND, so this is equivalent to NAND gate only. So ye NAND gate ke equal hai, to yani ki ye jo circuit hai, ye jo hamara complete circuit hai, I can change this complete circuit and I can apply a NAND gate here. To main iski jagah par kuch NAND gate ko bhi apply kar sakta hu. So you can see I have implemented this entire circuit just by using a NAND gate. मैंने इस पूरे expression को, I've just used a NAND gate to implement this entire expression. मैं पूरी expression को implement करने के लिए यहाँ पर सिर्फ NAND gate का ही use किया है. It is so easy to implement using NAND gate. In the same way, what if I want to implement using a NOR gate? So if I have a function like this, f of a comma b, so it is a, or make it three variables as input. So we have a comma b comma c, then it is equal to ab plus bc plus ac. This is your function.
ठीक है, और लेट मी चेंज इट बिकॉज आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली द सेम वन, सो लेट मी चेंज इट. सो आई हैव ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी. ठीक है, सो आई कैन ऑल्सो टेक ए प्लस सी, मैं उसको भी ले सकता हूँ, बट वाई हैव टेकन द स्मॉलर वन दिस टाइम बिकॉज इट विल बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. सो वट इट रियली मीन्स, इट मीन्स दैट आई हैव अ ऑर गेट हियर. इन दिस ऑर गेट आई एम गिविंग इनपुट एज ए, हियर आई एम गिविंग इनपुट एज बी. आई हैव अनदर ऑर गेट हियर. इन दिस ऑर गेट आई एम गिविंग द इनपुट एज बी, एंड हियर आई एम गिविंग द इनपुट एज सी, एंड वट एवर द आउटपुट इज आई एम यूजिंग एंड गेट हियर टू गिव द आउटपुट एज ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी. ठीक है, दिस इज योर आउटपुट. नाउ आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दिस एंटायर लॉजिक यूजिंग नॉर गेट. मैं इसको नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ. हाउ कैन आई डू इट? जस्ट पुट अ नॉट साइन हियर, जस्ट पुट अ नॉट साइन हियर, जस्ट पुट अ नॉट साइन हियर, एंड जस्ट पुट अ नॉट साइन हियर. देन यू विल आइडेंटिफाई दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नॉर गेट, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ नॉर गेट, एंड दिस इज बेसिकली इफ यू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ, देन यू विल आइडेंटिफाई दिस इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग अ नॉर गेट. ये भी नॉर गेट को ही इम्प्लीमेंट कर रहा है. सो इफ आई चेंज दिस वन, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, आई कैन ऑल्सो चेंज इट इन दिस मैनर. हियर आई कैन यूज अ नॉर गेट. अगेन यू आइडेंटिफाई दिस इज द आउटपुट, यही सेम आपके पास आउटपुट आएगा. सो कन्वर्टिंग अ सर्किट टू अ नॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड टू अ NAND इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी ईजी. किसी सर्किट को सिर्फ नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, किसी सर्किट को सिर्फ NAND गेट से इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है. दैट इज वाई बोथ NAND गेट एज वेल एज अ नॉर गेट, हम इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं. वी कॉल देम एज यूनिवर्सल गेट्स. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. आप सभी को समझ में आया होगा. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स.